टू फोर्थ फंक्शन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल पावर या फाइनेंशियल फंक्शन, फिर हम डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट, अमेंडमेंट पावर या फंक्शंस रिगार्डिंग अमेंडमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बताना है फाइनेंशियल पावर्स के बारे में। फाइनेंशियल पावर्स रिलेटेड टू फाइनेंस, फाइनेंस मींस मनी ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो हमारी कंट्री का जो फाइनेंस है, ठीक है, तो पूरी कंट्री का फाइनेंस किसमें यूटिलाइज होता है। अब जब भी सपोज आप खुद सोचो, जब आपके घर में आपके पेरेंट्स जो है, ठीक है, वो मंथली अपना एस्टिमेट बनाते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर को, कैसे बनाते होंगे, जितनी उनको इनकम होती है और उस इनकम का प्रॉपर जो है वो कहाँ पे उन्होंने एक्सपेंडिचर करना है, उसका एक प्रॉपर लिस्ट बनाते होंगे, ठीक है, कहाँ पे खर्च करना है, और उसके बाद इनकम और एक्सपेंडिचर को डिडक्ट करके, यानी कि जितनी इनकम है जितना एक्सपेंडिचर है उसको डिडक्ट करके जो बच गया दैट इज देयर सेविंग, उस सेविंग को वो आगे इन्वेस्ट भी करते होंगे कहीं, है ना, और जो उनकी सेविंग्स है वो बैंक में इन्वेस्ट करते होंगे। तो इसी तरह से जैसे एक फैमिली जो है वो अपना एस्टिमेट बनाती है, ऐसे ही गवर्नमेंट भी अपना एस्टिमेट बनाती है कि वन ईयर में इनको कितनी इनकम होनी और वन ईयर में वो कितना खर्चा करेंगे। अब खर्चा कहाँ पे करेंगे और इनकम कहाँ से होती है, इनकम कहाँ से होगी, टैक्स ऑफ द पीपल, टैक्सेस जो है लोगों से कलेक्ट किए जाते हैं, इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नए जो है वो नोट भी प्रिंट करते हैं, ठीक है। एंड एक्सपेंडिचर की बात करें तो गवर्नमेंट आए दिन कितने ही प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च करती है, रोड्स, ब्रिजेस, डिफेंस। अभी आप 26 जनवरी को देखोगे कितना डिफेंस पे खर्चा होता है, तो ये सारा गवर्नमेंट करती है। बाकी पुअर पीपल जो है उनके लिए जो पॉलिसीज होती हैं उनके लिए भी, ठीक है, तो अलग अलग तरह से गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर करती है। तो ये सारा इनकम और एक्सपेंडिचर का जो डिटेल है, ये डिटेल जो होता है इसको जब गवर्नमेंट बनाती है तो इसको क्या बोलती है, बजट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट, बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम का मतलब जो हमारे पास इनकम आएगी, एक्सपेंडिचर का मतलब है जो हमारा खर्च है, जो हम खर्च करते हैं। गवर्नमेंट की जो इनकम है, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, उसकी स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, बजट। तो फाइनेंशियल पावर में क्या आएगा, कौन बनाता है बजट, ऑब्वियसली एमपीज। तो हमने क्या बताना है, फाइनेंशियल पावर मींस एमपीज जो है, एमपी दोनों ही, लोकसभा के भी और राज्यसभा, ठीक है। तो एनुअल बजट, एनुअल बजट का मतलब जो ईयरली बजट होता है, एनुअल बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज पास्ड बाय पार्लियामेंट। बजट को पास कौन करता है, पार्लियामेंट। अब इसका जो प्रोसीजर है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, बजट, बजट इनडायरेक्टली एक मनी बिल है, बिकॉज मनी इन्वॉल्व है, बजट इज ऑल्सो अ मनी बिल, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारी कंट्री का फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो प्रॉपर ये बजट बनवाता है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बजट को बनवाते हैं। उसके बाद अब ये मनी बिल है तो मनी से रिलेटेड है, तो सबसे पहले ही लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। मैंने आपको बताया होगा कि हमेशा मनी से रिलेटेड कोई भी बिल जो है वो पहले लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल जो होते हैं वो किसी भी हाउस में जा सकते हैं, लेकिन मनी बिल हमेशा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर उसके ऊपर डिस्कशन की जाती है, डिबेट किया जाता है और वोटिंग करवाई जाती है लोकसभा में। वोटिंग करने के बाद अगर 2/3 मेजोरिटी से बजट पास हो जाता है तो सेम बजट फिर कहाँ पे जाता है, राज्यसभा में। सेम राज्यसभा में भी सेम रिपीट, यही प्रोसेस रिपीट किया जाता है और उसमें भी प्रॉपर वोटिंग करवाई जाती है। वोटिंग करवाने के बाद फिर ये बजट जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट इस पे फाइनल साइन करते हैं, देन बजट इज अप्रूव्ड और बजट इज पास्ड। तो इसका मतलब क्या है, अब ये पावर किसकी है, बजट को पास करने की पावर किसकी है, एमपीज की, ठीक है। तो हम कैसे बताएंगे, एनुअल बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कितना इनकम होगी, कहाँ पे खर्च करेगी, ये सारा पार्लियामेंट कंट्रोल करती है, ठीक है, दैट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। फिर हमने सेकेंड लाइन क्या बतानी है, मनी बिल और बजट ऑलवेज प्रेजेंटेड और इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन लोकसभा, ये हमेशा सबसे पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं, देन इट इज डिबेटेड एंड डिस्कस्ड बाय द एमपीज प्रॉपरली एंड वोटिंग इज कंडक्टेड एंड आफ्टर पासिंग द बिल, आफ्टर पासिंग द बजट, इट इज अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट।
ठीक है, ये प्रेसिडेंट के पास अप्रूव होती है, और ये है पार्लियामेंट की फाइनेंशियल पावर। अगेन आई एम रिपीटिंग, ठीक है, फाइनेंशियल मीन्स फाइनेंस से रिलेटेड है। अब हमेशा हेडिंग के अकॉर्डिंग मैंने आपको जितने भी फंक्शन करवाए हैं, लेजिस्लेचर, इससे पहले हमने लेजिस्लेचर किया था तो दैट इज लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव किया था तो वो कंट्रोल है, क्वेश्चन उसमें आएगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इलेक्टोरल फंक्शन में मैंने आपको बताया तो उसमें प्रेजिडेंट और वाइस प्रेजिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल में बजट, तो हर हेडिंग के अकॉर्डिंग दो तीन वर्ड्स याद रखो तो आपको एक्सप्लेन करते हुए आपको इजी रहेगा, ठीक है। फिर से एनुअल बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। फिर आपने सेकंड बताना है बजट को क्या कहते हैं, मनी बिल। मनी बिल और बजट ऑलवेज इंट्रोड्यूस फर्स्ट, सबसे पहले ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं, लोकसभा में, ठीक है। आफ्टर डिस्कशन, जो प्रॉपर इसकी डिस्कशन होती है इन द लोकसभा, इट इज वोटिंग इज कंडक्टेड, वोटिंग करवाई जाती है, then it is sent to Rajya Sabha and after that Rajya Sabha ke paas pass ho jata hai, ke paas isko bhejte hain president ke paas, then the budget is approved. to kahin na kahin dono hi Lok Sabha aur Rajya Sabha ke MPs play an important role to pass the budget of our country. clear hai ye? any question, any doubt regarding this power, financial power? till now I have discussed four powers: legislature, executive power, executive function, electoral power, electoral functions, financial power, financial function. ठीक है, ओके, थैंक यू दिव्या। हाँ जी, नेक्स्ट आई विल डिस्कस विद यू अमेंडमेंट, अमेंडमेंट पावर क्या होती है। अब ये अमेंडमेंट का मतलब होता है टू अमेंड, अमेंड मीन्स टू चेंज, किसी भी बिल या लॉ को चेंज करना, चेंज एनी लॉ, जो पहले से लॉ बने हुए हैं उनको चेंज करने का राइट, उसको क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट। ये किसके पास है, मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अमेंडमेंट पावर, अमेंडमेंट पावर, अमेंडमेंट फंक्शन का मतलब होता है अमेंडमेंट मींस टू चेंज एनी लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में जितने लॉज लिखे गए हैं उनको पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चेंज नहीं हो सकता, ओनली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज, ठीक है। एंड ये चेंज करने का राइट जो है वो किसके पास है, लोकसभा और राज्यसभा। तो इन इंडिया, पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे, इन इंडिया पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कुछ, जैसे पर्टिकुलर जैसे लॉ है या कोई एक लॉ है या एक पर्टिकुलर वर्ड जो है, इस तरह से पूरा का पूरा कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज, दिस प्रोसीजर इज नोन एज अमेंडमेंट पावर, अमेंडमेंट फंक्शन, एंड दिस फंक्शन लाइज आल्सो विद द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। सेम प्रोसीजर क्या होता है, जैसे बजट होता है सेम इसका भी प्रोसीजर होता है। सपोज हमारी कंट्री में कुछ MPs या कुछ मिनिस्टर्स या कुछ मेंबर्स को ये लगता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई किया जाना चाहिए, इस पार्ट को चेंज करना चाहिए, तो वो एक प्रपोजल लेकर आते हैं। प्रपोजल का मतलब होता है एक बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जैसे थ्री फार्म्स बिल, फार्मर से रिलेटेड जो था वो थ्री फार्म्स बिल था, बिल, ठीक है। बिल का मतलब होता है प्रपोजल। अब ये जो प्रपोजल है इसको ऑर्डिनरी बिल कहते हैं, ऑर्डिनरी बिल जिसमें मनी इन्वॉल्व सपोज नहीं होता, ठीक है। तो ये किसी भी हाउस में पहले जा सकता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा। कोई भी मिनिस्टर इसको इंट्रोड्यूस करता है, ग्रुप ऑफ पर्सन इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, और इसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगी स्टेजेस क्या होती हैं, जस्ट इसमें आपने शॉर्ट में सिर्फ ये बताना है दैट फॉर अमेंडमेंट ऑफ एनी, टू अमेंड एनी लॉ, ठीक है, बिल इज पास्ड इन द पार्लियामेंट। अमेंडमेंट के लिए क्या जरूरी होता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को चेंज करना है तो उसके लिए क्या होता है, बिल, एक बिल बनाया जाता है। बिल का मतलब क्या है, प्रपोजल, एक प्रपोजल बनाया जाता है एंड दैट इज इंट्रोड्यूस, उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, प्रॉपर प्रोसीजर होता है, ठीक है, इन लोकसभा और इन राज्यसभा। ऑर्डिनरी है तो दोनों में कहीं भी जा सकता है, लेकिन अगर मनी है, मनी से रिलेटेड है, तो सबसे पहले वो लोकसभा में जाए, दैट इज अ स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि लोकसभा की स्पेशल पावर्स क्या, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट फिर हमने क्या बताना है, that ordinary bill can be introduced in any house, किसी भी house में introduce हो सकता है, then it is properly debated and discussed and passed. तीन sentence, तीन word अच्छी तरह से याद रखो, debated, discussed and passed.
पहले इसके ऊपर प्रॉपर डिबेट होता है, डिस्कस किया जाता है अलग अलग मेंबर्स के द्वारा, उसके बाद वोटिंग करवाई जाती है, और वोटिंग के बाद जब बिल पास हो जाता है, ठीक है, फिर इस बिल को दूसरे हाउस में भेजते हैं, सेम प्रोसीजर वहां पे किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा भी इसको पास करती है, देन ये प्रेसिडेंट के पास जाता है, देन बिल इज कंसिडर्ड एज एक्ट। बिल जो है वो क्या बन जाता है, एक्ट, और ये अमेंड हो जाता है। जैसे आप एक लॉ सुनते हो ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बता सकते हो 2005 विमेन सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, विमेन सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, ये आपने 6th-7th में बहुत टाइम पढ़ा होगा, वुमेन का एक प्रॉपर। इससे पहले सिर्फ एक सिंपल राइट था, लेकिन सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट मतलब इसको मॉडिफाई किया गया, इसको चेंज किया गया, अमेंडमेंट वर्ड इसके साथ जुड़ा है, इसका मतलब है ये पहले लॉ था लेकिन बाद में इसमें बहुत सी मॉडिफिकेशंस की गई, जिसमें गर्ल्स को प्रॉपर्टी का इक्वल राइट दिया गया, और ये 2005 में पास किया गया था और इसको अमेंड किया गया, ठीक है। और ये ऐसे लॉज को अमेंड करने का, मॉडिफाई करने का, या कोई पुराना लॉ है उसको डिलीट करना, डिलीट मतलब अबॉलिश करना, रिपील कर देना, या नया लॉ पास करना, तो दैट राइट्स लाइज इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट। तो दीज वर द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। एनी डाउट? आई हैव डिस्कस 5 फंक्शंस, यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू हेडिंग्स एंड एक्सप्लेन ऑल द हेडिंग्स इन 2 or 3 लाइंस। हाँ जी दीक्षा मैम, कैन यू प्लीज रिपीट फाइनेंशियल पावर, बिकॉज माय नेटवर्क कनेक्शन वाज नॉट। आगे से जल्दी ज्वाइन किया, कौन सा सारा रिपीट? मैम मैंने ज्वाइन किया था, मेरा नेटवर्क स्टेबल नहीं हो रहा था। सारा रिपीट करना। नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स लाइज विद द, जैसे मनी बिल, फाइनेंशियल पावर जो है वो या तो मनी बिल या बजट, ठीक है, क्योंकि फाइनेंस मनी से रिलेटेड होता है। इसमें आपने क्या बताना है, मनी बिल और बजट ऑलवेज इंट्रोड्यूस फर्स्ट, सबसे पहले ये कहाँ पे, कौन से हाउस में पहले इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में। एंड कौन इसको प्रिपेयर करवाता है, कौन अनाउंस करता है, आपने देखा होगा जब भी हमारी कंट्री का फाइनेंस या बजट जो है वो आता है, फाइनेंस मिनिस्टर इसको लेकर आते हैं और वो इसको पूरा पढ़ के सुनाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको प्रॉपर पहले बजट जो है वो पास किया जाता है, पहले इसको प्रिपेयर किया जाता है और उसके बाद इसको अनाउंस किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए पहले ही प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, पहले इसको प्रॉपरली लोकसभा में इसको डिबेट और डिस्कस किया जाता है, फिर पास किया जाता है, फिर उसके बाद राज्यसभा में लेकर आते हैं, राज्यसभा में भी सेम प्रोसीजर होता है, फिर प्रेसिडेंट के पास आते हैं। तो ये है फाइनेंशियल पावर। इसमें सिंपल हमने क्या बताना है, दैट एनुअल बजट और मनी बिल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मनी बिल का मतलब होता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी खर्च करना है तो दैट इज मनी बिल, बिल के द्वारा वो पहले पास, यानी कि गवर्नमेंट या मिनिस्टर्स अपनी मर्जी से कोई पैसा नहीं खर्च कर सकते, जो भी खर्च करते हैं दे नीड द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज अ फाइनेंशियल पावर इन द हैंड्स ऑफ एमपीज। एनुअल बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और मनी बिल दैट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, मनी बिल ऑलवेज इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन लोकसभा, देन इट इज डिबेटेड एंड डिस्कस एंड पास्ड, देन इट इज सेंट टू अनदर हाउस, फिर ये दूसरे हाउस को भेजा जाता है, और उसके बाद आफ्टर द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट इट इज डिक्लेयर्ड एज एक्ट, फिर ये एक्ट बनता है, लॉ बनता है, और इस तरह से कंट्री का बजट जो है वो, ठीक है। तो ये भी एक स्पेशल पावर है लोकसभा की, या एक पावर है एमपीज की जो फाइनेंस कंट्रोल करते हैं। अगर एमपीज फाइनेंस कंट्रोल ना करे तो क्या होगा, टेल मी वन थिंग, सपोज मिनिस्टर्स दे आर फ्री टू इनकर एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर इन द डिपार्टमेंट्स, एंड सपोज मिनिस्टर्स को कोई भी अप्रूवल ना लेनी पड़ती, या एमपीज या लोकसभा या राज्यसभा के पास कोई ऐसी पावर ही ना होती, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, टेल मी, रेज योर हैंड। सपोज अगर फाइनेंशियल पावर पार्लियामेंट के पास ना हो, पार्लियामेंट गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंस का कंट्रोल ना करे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, टेल मी हरियर, व्हाट कैन बी द ड्रॉबैक्स, क्या इसके नेगेटिव जो है वो ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। वेरी गुड दिव्या, हाँ जी, कीप ए माइक ऑन। यस मैम, गवर्नमेंट उसका मिसयूज कर सकती है मनी का, गवर्नमेंट मे मिसयूज, एंड फाइनेंशियल पावर जो है ये गवर्नमेंट को अनसेलेबल बनाती है। इसका मतलब क्या है, मिनिस्टर्स कहाँ पे खर्च करते हैं, कितना खर्च करते हैं, कितनी सेविंग है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, कहाँ से इनकी सारी जो है डिटेल ये पार्लियामेंट की कमेटीज के द्वारा चेक की जाती है, एक तरह से कंट्रोल होता है। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी,
गवर्नमेंट कोई भी अपनी मर्जी से कहीं भी खर्च कर सकती है, और ये भी मिस यूज का मतलब होता है करप्शन, या मिनिस्टर जो है इसको अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए भी खर्च कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपके ऊपर कोई भी चेक नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो मे बी फिर ये जो इनकम एक्सपेंडिचर है ये लोगों पे कम और जो अथॉरिटीज हैं या जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर ज्यादा हो। तो इस मिस यूज को रोकने के लिए पार्लियामेंट जो है एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल पावर है पार्लियामेंट के पास, दैट पार्लियामेंट अगर लॉ मेकिंग बॉडी है तो पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि वो फाइनेंस को कंट्रोल करती है। क्लियर? सो दीज वर द फंक्शंस। एनी अदर डाउट दीक्षा? इट इज क्लियर टू यू? आई कैन सी 32 स्टूडेंट्स राइट नाउ। एनी डाउट बेटा? इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क क्वेश्चन। ओके, तो नाउ वी हैव डिस्कस फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो अभी बच्चे इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है जो इसी पार्लियामेंट के ही जो मैंने आपको बताया है बिल्स के रिगार्डिंग। तो कईयों को अगर बिल्स के रिगार्डिंग अगर थोड़ा सा डाउट है, रिमेम्बर आपने 8th क्लास में ना क्वेश्चन किया होगा हाउ अ बिल बिकम्स एन एक्ट, एक बिल जो है वो लॉ कैसे बनता है। एक बिल को लॉ बनने के लिए बहुत लंबे प्रोसीजर से होकर निकलना पड़ता है। 8th क्लास में आई थिंक आपने किया होगा, तो मैं उसको जस्ट एक बार रिकैप हम इसका कर रहे हैं कि बिल और लॉ यानी कि बिल की जर्नी क्या होती है। बिल जो है वो लॉ कैसे, बिल पहले बिल होता है, हाउ अ बिल बिकम एक्ट या लॉ कैसे बनता है। किसी भी बिल को लॉ बनाने के लिए 3 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, 3 स्टेजेस आर इन्वॉल्व। अ बिल बिकम्स एन एक्ट इन 3 स्टेजेस। ठीक है, तो ये स्टेजेस कौन सी होती है हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहिए बिल क्या होता है। बिल एक प्रपोजल होता है। प्रपोजल का मतलब सपोज अभी सपोज आपके लिए ही है ना कि जैसे आप मार्केट में जाते हो ना, तो सपोज आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि हाँ जी ये सामान आपने लेकर आना, तो आप क्या करोगे, तो आप जो भी है आप पर्सन को बोलोगे कि हाँ जी हमें इसका बिल दे दो। बिल का मतलब क्या होता है, आपने जो भी वहां से खरीदा वो आपको सारा उसके ऊपर लिख देते हैं और उसके बाद आप उसको टोटल करके ऐड करके अपने पेरेंट्स को देते हो, तो आपके पेरेंट्स को पता लग जाता है कि हाँ जी ये चीज इतनी की है और अप्रोक्सीमेटली उनको आइडिया हो जाता है। ये ऐसा ये भी एक बिल होता है। लेकिन पार्लियामेंट का बिल डिफरेंट है। बिल मतलब प्रपोजल, ये प्रपोजल किसी भी पर्टिकुलर जो है वो लॉ से रिलेटेड होता है जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में बन चुके हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको बताया वुमेन से रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड कोई भी इशू है तो लोग चाहते हैं कि पुराना लॉ जो है उसको चेंज किया जाए, नया लॉ बनाया जाए, तो ये प्रपोजल जो है वो लोग लेकर आएंगे पार्लियामेंट में। तो इसको हम कोई भी बिल बोल सकते हैं, विमेन रिलेटेड बिल। सपोज मैंने नाम दिया विमेन रिलेटेड बिल, विमेन से रिलेटेड वुमेन की प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी बिल। ठीक है, अब ये जो बिल है ये सिर्फ एक प्रपोजल है, इसको कोई भी मिनिस्टर या कोई भी MP जो है वो इंट्रोड्यूस करता है। अब इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है तो ये किसी भी हाउस में पहले जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। सपोज अगर ये लोकसभा में गया, किसी भी हाउस में गया, हर हाउस में इसकी स्टेजेस जो है वो सेम ही होती है। कौन कौन सी स्टेजेस होंगी, नंबर 1 फर्स्ट रीडिंग, नंबर 2 सेकंड रीडिंग, नंबर 3 थर्ड रीडिंग। रीडिंग मतलब स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट जो स्टेज होती है इसमें जो MP या जो मिनिस्टर या कोई भी पर्सन जो लोकसभा का पर्सन है वो इसको पूरा पढ़ के सुनाते हैं। उससे पहले उनको स्पीकर की परमिशन लेनी पड़ती है और ये सारा अनाउंस करते हैं कि ये हमारा प्रपोजल है, हम ये चाहते हैं कि पहले ये लॉ था इसको चेंज किया जाए, तो विमेन से रिलेटेड ये जो इश्यूज हैं इनसे रिलेटेड अगर ये लॉ बन जाएगा तो विमेन को बेनिफिट होगा। पूरा इसको पढ़कर सुनाते हैं और सारे इनको सुनते हैं। तो ये हो गई फर्स्ट, जिसमें जो पर्सन है वो सारे बिल के फीचर्स पढ़ के सुनाते हैं। क्लियर, फर्स्ट स्टेज हो गई। इसके बाद है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में अब क्या होता है, अब आपको पता है पार्लियामेंट में आए दिन कितने ही बिल इंट्रोड्यूस होते हैं, कितने ही बिल रीडिंग होती है, कितने ही बिल जो है उनको पढ़ के सुनाया जाता है, लेकिन सारे के सारे पास नहीं होते। सिर्फ वो बिल पास होते हैं जिनके ऊपर प्रॉपर 2/3 मेजोरिटी सभी जो है वो उसकी अपनी मेजोरिटी से उसको प्रूव करते हैं। कई बिल तो ऐसे होते हैं जो डिस्कस होते हैं लेकिन पास ही नहीं हो पाते, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी राय होती है और आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, डिबेट होता है और बिल पास ही नहीं, तो ऐसे बिल रह जाते हैं। ठीक है,
तो फिर होती है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होता है, स्पीकर क्या करते हैं, अब यहाँ पे स्पीकर का मेन फंक्शन क्या है, स्पीकर क्या करते हैं, अब इतने मेंबर्स हैं लोकसभा में 545, तो 545 में से ये क्या करते हैं, सेकंड स्टेज होती है इसमें उस बिल से रिलेटेड छोटी छोटी कमेटीज बना दी जाती है। ये जितने भी बिल्स हैं, सपोज ये जो मैंने आपको बताया वुमेन रिलेटेड जो बिल है, इसकी कमेटी बना देंगे, कमेटी में 5 मेंबर वो अनाउंस करेंगे कि हाँ जी ये जो 5 मेंबर्स हैं ये इस बिल के सारे प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे डिटेल्स। तो उनको प्रॉपर टाइम दे दिया जाता है कि इस टाइम तक ये जो मेंबर्स हैं या जो भी मिनिस्टर है, ठीक है, ये इस बिल को प्रॉपरली इसके बारे में थोरो रिसर्च करेंगे, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अब सेकंड स्टेज में क्या होता है, वेरियस, इसको कमेटी स्टेज भी बोलते हैं, कमेटी स्टेज, सेकंड स्टेज इज आल्सो नोन एज कमेटी स्टेज, जिसमें कमेटी प्रॉपर एग्जामिन करती है इस बिल के प्रोज एंड कॉन्स। फिर पर्टिकुलर जो उनको टाइम दिया जाता है, जिस टाइम को उन्होंने अपना काम कर लेते हैं, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं स्पीकर को, रिपोर्ट सबमिट हो जाती है और उसके बाद स्पीकर उनको फिर टाइम देते हैं उस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ के सुनाती है कमेटी। कमेटी के अलग अलग मेंबर जो हैं वो अपनी रिपोर्ट जो है वो पूरी लोकसभा को पढ़ के सुनाते हैं और इस तरह से उस बिल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो बाकी सारे मेंबर सुनते हैं, ठीक है। फिर आती है थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग कुछ नहीं है, सिंपल होता है वोटिंग। थर्ड रीजन इज वोटिंग स्टेज। इसका मतलब फर्स्ट इज रीडिंग स्टेज, सेकेंड इज कमेटी स्टेज, थर्ड इज रीडिंग स्टेज। रीडिंग स्टेज में क्या होता है, सॉरी वोटिंग स्टेज में क्या होता है, थर्ड जो मैं बोलता हूँ, थर्ड वोटिंग स्टेज में क्या होता है, वोटिंग इज कंडक्टेड, क्योंकि सबने एडवांटेजेस भी सुन ली हैं, डिसएडवांटेजेस भी सुन ली हैं। जो फेवर में होते हैं वो यस कह देते हैं, जो फेवर में नहीं होते वो नो बोल देते, और जितने लोग यस बोलेंगे उनको प्रॉपर काउंट किया जाता है। अगर 2/3 मेजोरिटी से सभी लोग जो है वो इस बिल को पास करना चाहते हैं, देन बिल विल बी रिगार्डेड एज पास्ड इन दैट हाउस। ये तो भी एक हाउस में है, ये एक हाउस में हुआ, उसके बाद ये लोकसभा से ये बिल जाता है राज्यसभा में, बिल बी मूव टू राज्यसभा, एंड यू नो सेम प्रोसीजर इज अडॉप्टेड इन राज्यसभा, सेम स्टेजेस आर देयर। वहां पे क्या होता है, बिल जाएगा, वहां पे राज्यसभा के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो किसी एक मेंबर को बोलेंगे कि ये सारा बिल पढ़ के सुनाओ, वो बिल पढ़ के सुनाएंगे, देन वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा सेकंड स्टेज में, इनकी राज्यसभा के अंदर ही 5 मेंबर्स की या 6 मेंबर्स की अलग अलग कमेटीज बना देंगे कि जो लोकसभा ने एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस दिए हैं आप इनके ऊपर फिर से रिसर्च करो, फिर वो भी रिसर्च करते हैं। उसके बाद फिर उनको एक डेट दे दी जाती है जिस डेट को वो फिर से उसके जो भी मतलब प्रोज एंड कॉन्स है वो आपस में डिस्कस करते हैं। फिर थर्ड स्टेज है वोटिंग स्टेज, जब राज्यसभा में इसकी प्रॉपर वोटिंग करवाई जाती है, वोटिंग इज कंडक्टेड, और अगर तब भी बिल पास हो जाता है तो इसका मतलब बिल जो है वो दोनों हाउसेस में पास हो। अब राज्यसभा जो है, राज्यसभा कई बार बिल को डिले भी कर सकती है, डिले कितने दिन के लिए कर सकती है, 14 डेज के लिए राज्यसभा कैन डिले। डिले का मतलब क्या होता है, बिल कई बार होता है कि हाँ जी राज्यसभा थोड़ा और टाइम ले सकती है, ठीक है, और उसके बाद राज्यसभा इसको प्रेसिडेंट के पास भेजती है साइन करने के लिए। प्रेसिडेंट भी अपने पास उस बिल को एक ड्यू डेट तक रख सकते हैं, उनको प्रॉपर स्टडी करते हैं, थोरो रीडिंग करते हैं, और अगर उनको बिल के कोई भी क्लॉज या कुछ लीगल लैंग्वेज नहीं समझ आती तो उसके लिए वो किसी भी पर्सन, प्राइम मिनिस्टर या किसी मिनिस्टर या जजेस या किसी से भी एडवाइस ले सकते हैं, लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। उसके बाद जब प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं, देन बिल विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट लॉ, ठीक है। तो हमारी कंट्री में एक लॉ बनने का प्रोसीजर जो है वो दैट इज वेरी वेरी लॉन्ग, वो अलग बात है क्योंकि इतने लोग इन्वॉल्व होंगे तो ऑब्वियसली हर सेक्शन हर पर्सन के बारे में सोचा जाएगा, एंड ऑब्वियसली अगर एक हाथ में पावर होगी तो वो नेगेटिव हो सकती है, जब इतने लोगों के हाथ में पावर है तो जब डिसीजन लिए जाते हैं, इतने ब्रेन होंगे, इतने डिसीजन लिए जाएंगे लोगों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं अच्छे लॉज बनाने की बेस्ट पॉसिबिलिटी। तो दैट इज द मेन यू कैन से बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, पार्लियामेंट, जिसमें टू मेनी पर्संस आर इन्वॉल्व्ड। हम कहते हैं डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, इसका मतलब है लोग खुद अपने लिए लॉ बनाते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनके भेजते हैं और वो हमारे लिए लॉ बनाते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, बिल को पास करवाते हैं, दैट इज अ फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। सो दिस इज द प्रोसीजर थ्रू विच बिल इज कंसिडर्ड एज एक्ट। कहीं ना कहीं ये जो है वो मैंने आपको
फंक्शंस भी बताए हैं, मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बताया ताकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब हमने इसके बाद क्या डिस्कस करना है, विच हाउस इज मोर पावरफुल, लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है। तो ये अलग से क्वेश्चन आपका आएगा, विच हाउस इज मोर पावरफुल, लोकसभा, क्योंकि मैंने यही आपको उसमें बताना है सारा, ठीक है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि लोकसभा और राज्यसभा में से कौन सा हाउस ज्यादा पावरफुल। हाँ जी लीजा, आस्क योर क्वेश्चन, कीप ए माइक ऑन। मैम एक बार सेकंड स्टेज रिपीट कर दो। सेकंड स्टेज होती है कमेटी स्टेज, इसमें क्या होता है, स्पीकर दैट gives the responsibility to some of the members of the house, and is committee stage mein kya hota hai, these members are given task to do research, more research on that particular topic, jo proposal hota hai, advantages disadvantages, agar bill pass ho gaya to iska kiske upar positive impact padega, kiske upar negative padega, iske advantages zyada hain ya disadvantages zyada, committee stage bolte hain. To isme alag alag jo members hote hain jinko kaam diya jata hai, वो उस बिल से रिलेटेड जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है उसके एस्पेक्ट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज कमेटी स्टेज और सेकंड स्टेज। इज क्लियर, इट इज क्लियर टू यू? यस मैम, थैंक यू। एनी अदर डाउट, एनी अदर डाउट बेटा? सुबीन, थैंक यू लीजा। अब हम करेंगे बच्चे इसमें विच हाउस इज मोर पावरफुल, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, बोथ आर द इम्पोर्टेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन लोकसभा जो है उसको ज्यादा पावरफुल किया गया है, लोक लोक मतलब लोगों का हाउस, बिकॉज लोकसभा इज अ डायरेक्ट हाउस, ये लोकसभा जो है डायरेक्ट हाउस है, बिकॉज वी द पीपल वी इलेक्ट द एमपीज ऑफ लोकसभा डायरेक्टली फॉर 5 years, क्लियर। तो इसीलिए ये ज्यादा पॉपुलर भी है, ज्यादा लोग इसके मेंबर्स को ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट जो हमने इसमें बताना है, विच हाउस इज मोर पावरफुल, तो मैंने वैसे आपको बता ही दिया कि मनी से रिलेटेड या बजट से रिलेटेड कोई भी जो फाइनेंस से रिलेटेड जो बिल होता है, दैट ऑलवेज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा आपका, फर्स्ट पावर क्या है, दैट मनी बिल, मनी बिल मतलब जो लॉ मनी से रिलेटेड होते हैं, जो प्रपोजल मनी से रिलेटेड होते हैं, जिसमें टैक्स मनी से रिलेटेड कैसे हो गए, जैसे टैक्स लगाना, नए टैक्स लगाना, पुराने टैक्स को हटाना, या एक्सपेंडिचर डिफेंस पे कितना एक्सपेंडिचर होगा, तो 26 जनवरी भी आप देखोगे गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करती है डिफेंस पे, ठीक है, या बॉर्डर एरियाज जो है उनको प्रॉपर डिवेलप करने के लिए कितना खर्चा होगा, या गवर्नमेंट कहाँ पे हॉस्पिटल्स प्रोजेक्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट है, या जो पुअर पीपल्स के लिए जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं उसमें कितनी मनी दी जाएगी, तो ये सारा मनी से रिलेटेड, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मनी बिल, और एक साल का जो होता है एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट, उसको बोलते हैं बजट, ठीक है। तो आपने क्या बताना है, मनी बिल और बजट ऑलवेज इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन लोकसभा, ठीक है, ये सबसे पहले, ये प्रिविलेज है कि दो बिल दो तरह के होते हैं, एक होता है मनी बिल, एक होता है ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल ऑलवेज इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन लोकसभा, बट ऑर्डिनरी बिल, जो ऑर्डिनरी बिल होता है दैट कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस, ऑर्डिनरी बिल जो होता है वो किसी भी हाउस में पहले जा सकता है, ऑर्डिनरी मतलब जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, सिंपल अगर हम ये कहते हैं कि जो वुमेन है उनको उनकी एज, जैसे आजकल इशू चल रहा है ना कि जो उनकी मैरिजेबल एज है, ठीक है, वो बढ़ानी चाहिए, सपोज ऐसी ऐसे जो कुछ है, या बॉयज हैं उनसे रिलेटेड उनकी जो मैरिजेबल या वोटिंग एज, वट एवर कुछ भी जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, तो ये होते हैं ऑर्डिनरी, ये ऑर्डिनरी बिल में आते हैं, दिस कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस, बट मनी बिल और बजट विल ऑलवेज बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन लोकसभा, क्लियर, इतना क्लियर है, ठीक है, ओके। सेकेंड, इफ लोकसभा पासेस द बिल, मैंने आपको भी बताया ना कि बिल जो है वो पहले लोकसभा में, जैसे सपोज एक हाउस में पास हो जाता है, इफ लोकसभा पासेस द बिल, लोकसभा को क्या प्रिविलेज दिया गया है, जब लोकसभा में कोई भी बिल पहले पास होता है, सपोज कोई भी बिल पहले लोकसभा में पास होता है, इफ लोकसभा पासेस द बिल एंड राज्यसभा रिजेक्टेड, राज्यसभा रिजेक्ट कर सकती है, राज्यसभा की कमेटी स्टेज में लोग कह सकते हैं कि तो बिल बिल्कुल ही ऑथेंटिक नहीं, ये तो सारा का सारा बिल जो है उसमें कोई एडवांटेज ही नहीं है, सारे डिसएडवांटेजेस हैं, एंड इट कैन ओनली डिले फॉर 14 डेज,
राज्यसभा सिर्फ उस बिल को 14 डेज के लिए अपने पास रख सकती है दोबारा से रिकंसिडर करने के लिए, क्लियर। एंड उसके बाद अगर राज्यसभा में बिल पास ही नहीं हुआ, 14 डेज अपने पास रख भी लिया, तो राज्यसभा क्या करती है, बिल को वापस लोकसभा में भेज देती है कुछ नए प्रपोजल्स के साथ। तो राज्यसभा ये कह सकती है कि हाँ जी हमने कुछ नए प्रपोजल्स जो इसमें ऐड किए हैं, आप इसको प्रॉपरली इसको चेक करो और इसके अकॉर्डिंग जो है आप इसको ऐड करो, ठीक है। तो उसके बाद बिल वापस आता है लोकसभा में। अब आपको पता है कि लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट चेंजेस, ये देखो कितना बड़ा प्रिविलेज है। अब आपको होगा कि अगर ऐसा है तो राज्यसभा को क्यों रखा गया, ठीक है। लेकिन ये लोकसभा की एक बहुत बड़ी पावर है कि अगर राज्यसभा उसमें कोई भी चेंजेस देते हैं तो वैसे लोकसभा कर ही लेती है, लेकिन उसका करना या ना करना वो लोकसभा पे डिपेंड करता, और कई बार चेंजेस हो भी जाते हैं, चेंजेस नहीं भी होते, चेंजेस करने के बाद उसको फिर से राज्यसभा के पास द्वारा से भेजा जाता है। और कितना टाइम लगता है किसी बिल को फिर द्वारा से रिकंसिडर करने, ठीक है। नाउ टाइम इज ओवर, रेस्ट वी विल डिस्कस टुमारो, क्लियर।